इस पार्टी की डबल विक्ट्री है। एक तो सुबह आपने न्यूज सुनी और हम मुबारक देते हैं जम्मू कश्मीर के लोगों को और जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के कार्यकर्ता जिन्होंने कुर्बानियाँ दी, जेल में गए और बहुत से गोलियों के शिकार भी हुए। हमारी जब हमने पैंथर पार्टी बनाई थी तो सबसे पहले हमारी यही मांग थी कि गठित करो जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन और उसमें ट्विन सेक्ट्रेट यानी जोड़वा सेक्ट्रेट बनाओ कश्मीर में भी जम्मू में, ताकि जम्मू और कश्मीर के लोगों को परेशानी ना हो। ये सेक्ट्रेट महाराजा रणवीर सिंह ने 1872 में बनाया था के शिफ्ट के 6 महीने जम्मू रहेगा, 6 महीने श्रीनगर। उस वक्त के हालात अलग थे, सड़क नहीं थी, लोगों को आना जाना बहुत मुश्किल था, इसलिए महाराजा रणवीर सिंह का ये फैसला बिल्कुल दुरुस्त था। लेकिन आज पैंथर्स पार्टी ने शुरू से ये मांग रखी थी कि रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जिसमें ट्विन सेक्ट्रेट हमारी पहली मांग थी। आज जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी सिर्फ जम्मू कश्मीर और लद्दाख में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में सेलिब्रेट कर रही है और मुबारक दे रहे हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को, क्योंकि बहुत बड़ी कामयाबी है। अब दूसरी कामयाबी हम इंतजार कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख फिर से एक हो जाएंगे एज ए स्टेट, हमारा स्टेट हुड रिटर्न होगा। और ये मामला हमने प्रधानमंत्री की कॉन्फ्रेंस में भी मैंने रेज किया था, जम के रेज किया था। और आज हम जम्मू कश्मीर में लद्दाख में ये सेलिब्रेशन कर रहे हैं। आप लोगों में साथ में खासकर जम्मू कश्मीर की जो प्रेस है, जो प्रेस रिपोर्टर हैं, मीडिया पर्सन हैं, उनका शुक्रिया करना चाहता हूँ, धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारा इतना कोऑपरेशन किया है अपने कलम से, जबान से, फोन से। और आज हम फिर से आपके साथ सेलिब्रेशन कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में पैंथर पार्टी की पहली जीत। प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग में आप थे, वहाँ क्या बात हुई, कब तक स्टेट हुड वापस होगा? मैं पैंथर वहाँ जम्मू कश्मीर में मैं आखिरी स्पीकर था, यानी कुल 8 स्पीकर बोले थे जिसमें मैं 8वां था और मैं सबसे पीछे था। मेरे दोस्त कहते हैं कि पैंथर पार्टी को बाद में लाया, मैं कहता हूँ मैं बहुत ही खुशकिस्मत था। और मैं मुबारक देता हूँ प्रधानमंत्री, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मोदी जी को, कि मुझे उन्होंने आखिरी स्पीकर पूरी डिबेट को क्लोज करने के लिए बुलाया था। मैंने सबसे पहले बात की थी कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर 1846 में महाराजा गुलाब सिंह ने जोड़ा था, इनको दोबारा जोड़िए। और दूसरा ये कहा था कि जम्मू कश्मीर का विलय महाराजा हरि सिंह ने ये 26 अक्टूबर 1947 में किया था और 27 अक्टूबर लॉर्ड माउंटबेटन उस वक्त एक गवर्नर जनरल मंजूर किया था। ये अफसोस है, मैंने कहा प्राइम मिनिस्टर को कि जम्मू कश्मीर की रियासत का विलय आज तक पार्लियामेंट ने नहीं किया। ये नई बात नहीं है, मैंने कई बार बात ये पहले भी उठाई थी। तो प्रधानमंत्री जी बड़े प्यार से धीरे से सुनते रहे। कमाल ये था इस कॉन्फ्रेंस का, यहाँ 8 स्पीकर बोले, सभी पार्टियों के, जम्मू कश्मीर की रिकगनाइज पॉलिटिकल पार्टीज भी और जो दिल्ली की रिकगनाइज पॉलिटिकल पार्टीज थी वो भी बोले। लेकिन प्रधानमंत्री खामोश होकर सुनते रहे। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब भी बैठे थे, होम मिनिस्टर भी बैठे थे, और जब मैं बोला मेरे बाद होम मिनिस्टर बोले और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री। तो आज जो ये वाकया हुआ है कि 1872 में महाराजा रणवीर सिंह ने आज रेडियो जम्मू कश्मीर और सरकारी हिंदुस्तान की मीडिया ने गलत रिपोर्टिंग कर दी है, ये महाराजा गुलाब सिंह ने यहाँ पर दो
दो जगह ये स्टेट जो कश्मीर और जम्मू का सेक्रेटरी अलग अलग बनाया था, ये महाराजा रणबीर सिंह ने बनाया था 1872 में, और यही आज जम्मू कश्मीर के हर डिस्ट्रिक्ट में, हर जिला में, लद्दाख में भी इस सेलिब्रेशन में जोश खरोश के साथ आजकल मिठाइयाँ नहीं, मिठाइयाँ और लड्डू नहीं चल रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में कुछ तो हम आपको करेंगे आज के दिन। पहले थोड़ा सा थोड़ा सा भाई फोटो खींचे।